पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की तरफ जाने लगा है। हर कंट्री के गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है, तो हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है। हमारे देश में पहले से इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं और चल भी रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कारें हैं वो लिमिटेड है। इसीलिए बहुत सारी कारें लाइन में लगी हुई है लॉन्च होने के लिए इंडियन मार्केट में, उसमें से कुछ अफोर्डेबल भी है। इसीलिए आज हम बताने वाले हैं 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडियन मार्केट। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक बसफर, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। पहले आते हैं महिंद्रा XUV 300 के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए इंडियन मार्केट में बहुत सारी कारें लॉन्च करने वाले, उसमें से एक है XUV 300 जो इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होगी। इसे ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया गया था। इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो 375 किलोमीटर है जो सिंगल चार्ज में चलेगा। इसका प्राइस अराउंड 60 लाख से स्टार्ट होगा जो कि 70 लाख 80 लाख तक जाएगा। इसकी जो स्पेक्स है वो भी मिस्ट्री है क्योंकि एक कार पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई है। इसकी लो रेंज वर्जन भी लॉन्च होगा अर्बन बायर्स के लिए। दूसरा जो कार हमारे लिस्ट में है वो है मारुति सुजुकी वैगनार। आपको पता है वैगनार इंडियन मार्केट में चल रहा है मगर उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है उसकी स्पेक्स और इंजन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है इसको नए तरह से लॉन्च करेगा प्राइवेट और कमर्शियल यूजर्स के लिए, जो होगी पूरी से इलेक्ट्रिक वर्जन। इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 8 लाख जो अप टू जाएगी 10 लाख तक। उसकी वजह से कमर्शियल और प्राइवेट बायर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और अन्य तथ्य हैं वो अभी भी मिस्टीरियस है, तो होपफुली ये भी एक नया रेवोल्यूशन है मारुति सुजुकी के लिए। तीसरा है वो है टाटा एल्टोस EV, जो टाटा अपने प्रोडक्शन हाउस को और बढ़ाना चाहता है और भी एक्सपेंड करना चाहता है। टाटा पहले से ही मार्केट में बहुत सारा इम्पैक्ट फैला चुका है, उसकी वजह से ऑल्ट्रोस सबसे हिट मॉडल है टाटा का। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन टाटा ऑटो एक्सपो 2022 में शोकेस कर चुका है। ये कार लॉन्च होने वाली थी 2020 के मिड में, मगर आप सबको पता है कि हालत कैसी थी मार्केट की, इसी वजह से ये 2021 के मिड में लॉन्च होने वाली है। इसकी ड्राइविंग रेंज जाएगी 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, जो कि डायरेक्ट कंपेयर करेगी नेक्सॉन के EV के साथ। इसकी प्राइसिंग भी 10 से 12 लाख के बीच। चौथी है महिंद्रा KUV 100। XUV 300 के पहले महिंद्रा KUV 100 लॉन्च करने वाली है। इसे भी ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया गया था। इसकी जो ड्राइविंग रेंज है सिंगल चार्ज में 140 किलोमीटर, ये लो रेंज वेरिएंट है। इसकी अप रेंज वेरिएंट भी लॉन्च होगी जो उसकी प्राइस थोड़ी सी हायर होगी। जो लो रेंज वेरिएंट है उसकी प्राइस होगी 9.5 लाख से 10 लाख तक। ये सबसे प्रीमियम कार माना जाता है महिंद्रा के शोकेस में। इस सभी कारणों की वजह से EV जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो हमारे पास अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है। हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट में है एक डेब्यूटेंट जो है टाटा HBX इलेक्ट्रिक। ये कार मिड 2021 में लॉन्च होने वाली, ये कार मार्केट में डेब्यू करने जा रही है। टाटा इसे भी एल्ट्रोस और नेक्सॉन की साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि इसको कहीं पर शोकेस नहीं किया गया है, इसलिए कार की सारी स्पेक्स अभी भी मिस्ट्री है। प्राइसिंग इसकी कंपनी ने बोल दिया है जो 5 लाख से स्टार्ट होगी 8 लाख तक जाएगी। अगर टाटा ने अपनी सारी चीज़ें सही रखी तो ये कार भी पॉपुलर हो सकता है। जैसे दिन पर दिन पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक कारें। ये इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जैसे जो कार को चाहने वाले हैं, जो कार को पसंद करते हैं, कार रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमको यूज़ करना है, उसे प्रमोट भी करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन पार्ट है एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो प्रे कीजिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अच्छे से चले मार्केट में, और हम जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं, जो खरीदेंगे आगे जाके, वो भी इसे प्रमोट करें अच्छे तरह से। तो आपको इस 5 कारों में से कौन सी अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।